ऐसे इवेंट करते क्यों, क्या मिलता है आपको ये इवेंट करके? तो मेरे भाई ऐसे इवेंट करके मिलता है बहुत ज़्यादा हेडेक, अपने काम से छुट्टी, तकरीबन जब भी इवेंट नज़दीक लगता है तो एक महीना सब लोग इतना डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि बार बार मीटिंग्स करनी पड़ती है, बार बार कंपनी के साथ बैठना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्लान करने पड़ते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है, तो अपने काम का नुकसान होता है। हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया हैं। सो गाइस, द अनफॉरगेटेबल हीरोज की सक्सेस के बाद, ग्रैंड सक्सेस के बाद और आप सब लोगों के सहयोग के बाद कुछ क्वेश्चंस भी अराइज हुए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुनने को मिले। सो वो ये था कि ओमिक्स जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम करके और इतने सारे स्पॉन्सर्स के लोगो लगे थे तो काफ़ी लोग ये जानने में बड़ा इच्छुक थे कि यार बीइंग ऑर्गेनाइज़र मतलब क्या क्या मिल गया यार, क्या क्या इकट्ठा कर लिया। सो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग इतने बड़े इवेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो दिल्ली NCR और भी किसी स्टेट से आने वाले लोग, राइडर्स जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है, सबसे पहले उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस अब बात करते हैं कि इस इवेंट में टेक अवे क्या था बीइंग एन ऑर्गेनाइजर। सो यार मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ें शेयर भी करता हूँ, ठीक है ना। ये कुछ लोगोस जो आप लोगों ने देखे, ठीक है, जो हमारे इवेंट में नीचे लगे हुए थे, ठीक है, मैं बताता चलता हूँ किसका क्या रोल है और किससे क्या मिला, ठीक है ना। आप लोगों से ट्रांसपेरेंसी यार बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में यार, ठीक है ना। तो मैं एटलीस्ट एश्योर करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आज भी और इन फ्यूचर भी किसी भी इवेंट का पार्ट बनूंगा तो मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहूंगा। सो गाइस सबसे पहले आता है एलआर और चोपड़ा, ठीक है। चोपड़ा हेलमेट्स को आप सब लोग जानते हैं, तो एलआर की जैकेट्स हमें मिली थी और एलआर को हमारे साथ एसोसिएट करने वाले थे हमारे चोपड़ा हेलमेट बोले तो भैया जी, चोपड़ा हेलमेट वाले भैया जी, ठीक है। तो उन्होंने ये जैकेट हमें दी थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स को ये जैकेट दी गई थी। उसके अलावा भी किसी को अगर वो अप्रिशिएट करना चाह रहे थे तो उनको भी उन्होंने वो जैकेट दी थी, ठीक है। सो हमने नहीं रोका। उसके बाद एडमिन्स को पाउचेस भी दिए थे, ठीक है, वेस्ट पाउच दिए थे। और फिर उसके बाद आ जाता है ये, मतलब यार देखो, आप लोगों को या किसी भी राइडर को कोई कुछ भी देता है तो वो अपने पार्ट पे फ्री था, ठीक है। अदर देन दिस कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों की तरफ से नहीं था। उसके बाद आता है बीबीडब्ल्यू बिट्टू बाइक वाला, ठीक है, ये सनी पाजी के अपने एसोसिएशंस हैं, ठीक है। सो उनका अपना प्यार बिट्टू बाइक वाले को लेके, सो उनसे उन्होंने फ्लैग ऑफ कराया, ठीक है। उनसे हमें कोई सपोर्ट, ठीक है, मेरी नॉलेज में मुझे तो कुछ मिला नहीं, ठीक है, तो हमें उनसे कोई सपोर्ट किसी भी वे में नहीं मिला है, ठीक है, ना ही फाइनेंशियल्स कोई ट्रांजेक्शन्स है मेरी नॉलेज में, ठीक। उसके बाद आता है सुपरमैन वाला लोगो। भाई सुपरमैन वाला लोगो जो पावर ड्रिंक्स, वो एनर्जी ड्रिंक्स वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, सो वो उन्होंने दी थी इसलिए उनका लोगो लगा हुआ है, ठीक है, उन्होंने फ्री डिस्ट्रीब्यूट की थी। उसके बाद राधे कृष्ण हार्ट प्रिंस सरीन, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, सो ही इज़ डिसेंट पर्सनैलिटी, सो इवेंट में काम कर रहे थे तो इनका अपना राधे कृष्ण हार्ट के नाम से ये कृष्ण जी की जो ड्रेसेस वगैरह में डील करते हैं। तो अगर कोई हमारे इवेंट में ऐसे काम कर रहा है और अपना लोगो लगाना चाहे तो लगा लेता है, ठीक है ना, अगर वो कोर टीम में है तो, ठीक है। देन उसके बाद एस्ट्रॉइड इज़ अ राइड मेकिंग ऐप और राइड से रिलेटेड ऐप है। सुपरमैन को हमारे साथ एसोसिएट करने वाले एस्ट्रॉइड ही थे, ठीक है, और इनकी वजह से हमारे को काफ़ी सारे ग्रुप्स ने भी ज्वाइन किया था, थैंक्स टू एस्ट्रॉइड फॉर दिस, जितेश भाई, ठीक है। उसके बाद हेलमेट वाला, ठीक है, हेलमेट वाला इनका क्या रोल है जी? इन्होंने भी ऑर्गेनाइजर्स को ये स्काला की जैकेट दी थी, ठीक है ना। सो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं अदर देन ज्ञानी भाई, ठीक है,
सो चार जैकेट्स हमारे पास ये आई थी, और चारों बोले तो टीम आर सी में मैं एंड YRC से सनी बाजी एंड आपका टीम अस्त्रा से जीत और IRG से यश, ठीक है। सो चार ग्रुप ये जिनको ये जैकेट्स मिली गई थी, ठीक है। उसके बाद पॉलीलियोब लुब्रिकेंट, भाई पॉलीलियोब लुब्रिकेंट ने वहाँ पे काफ़ी एडमिन्स को या जो नॉन राइडर्स हैं जो कंटिन्यूस बड़ी राइड्स करते हैं या जो जाने पहचाने फेस हैं हमारी राइडिंग कम्युनिटी के, उनको वहाँ पे उन्होंने इंजन ऑयल की कैंस दी थी, ठीक है। पर्सनली भाई मुझे पॉलीलियोब से कुछ नहीं मिला है, ठीक है, मेरे को कोई कैन या कुछ नहीं मिला है, ठीक है। हेलमेट वाले से जैकेट मिली है। उसके बाद हैं VK ऑटो ट्रेडर्स, बोले तो कुणाल पोपली भाई, इनकी तरफ से हमारे को एग्जॉर का सपोर्ट आया था। एग्जॉर का सपोर्ट क्या था कि वी गॉट दिस हेलमेट्स, एग्जॉर के हेलमेट्स अलग अलग आर्टिकल्स। सो इसमें भी मुझे, सनी बाजी को और यश को, जीत को ये हेलमेट दिया गया है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। तो जिसकी जो भी प्रोडक्ट थे वो हमने उस दिन या उससे पहले रिसीव किए हैं और ड्यूरिंग राइड हमने वो पहने, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग अगर हमसे एसोसिएट हुए हैं तो उनकी उनके प्रोडक्ट को पहन के राइड करना वो ही सही था, तो वैसा ही हमने किया है। उसके बाद है आराध्या ट्रेवल हाउस। आराध्या ट्रेवल हाउस की तरफ से जो मेरी नॉलेज में है, आई गेस 12,000 रुपीज का सपोर्ट उन्होंने किया था, ठीक है, मेरी नॉलेज में जो है। और वो 12,000 रुपए थे वो सनी बाजी ने रिसीव किए थे, ठीक है, और उसमें जो एक्सपेंसेस एज एन शील्ड वगैरह कुछ भी बनवाई हैं, ठीक है, तो वो सनी बाजी टेक केयर कर रहे थे, मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर भाई एम्बुलेंस सपोर्ट, आपने देखा होगा कि क्या जबरदस्त मैक्स टीम की तरफ से काम किया गया इस इवेंट पे। कुछ माइनर दो इंसिडेंट भी हुए थे, उसका प्रॉपरली टाइमली टेक केयर किया गया, सो ऑसम, ठीक है। देन रेडियो सिटी में हमारा चला था जी एक छोटा सा जिंगल टाइप जो RJ दिव्या ने प्ले किया था, ठीक है। सो उसकी वजह से रेडियो सिटी यहाँ इस पिक्चर में है, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा नाम ओमिक्स को लेके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए, बोले तो 5 ग्रुप इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनके लिए 5,000 ईच, 5,000 रुपये हर ऑर्गेनाइजर के लिए ओमिक्स की तरफ से दिए गए थे, ठीक है, जो मेरी तरफ से एंड जीत की तरफ से, यश की तरफ से उनको रिटर्न कर दिए गए, ठीक है ना, क्योंकि शुरू में हमें लगा कि हाँ ठीक है उन्होंने नहीं किया, मतलब ऐसा लगा शायद मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब वी गॉट ट्रांसफर तो वी रियलाइज कि मतलब हम अगर ऐसी कोई राइड या इवेंट कर रहे हैं इट्स फॉर कॉज, ठीक है, एंड ये ऐसी कोई चीज़ें अगर हमारे को रिसीव होती हैं तो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंपनी, ठीक है, बट कैश रिसीव करना वो थोड़ा सा मुझे कम समझ आता है यार। ऐसा कोई किसी भी कॉज इवेंट को लेके मैंने, मतलब एटलीस्ट मैं नहीं चाहूँगा कि कोई फाइनेंशियल अट्रैक्शन उसमें हो, ठीक है। अगर जहाँ भी मैं किसी इवेंट में इन्वॉल्व होता हूँ तो फाइनेंशियल्स को लेके मैं थोड़ा सा क्लियर रहूँगा, जैसे आज हूँ वैसा ही कल रहूँगा। मेरे लिए कॉज इज़ द ओनली थिंग, ऐसे इवेंट करते क्यों, क्या मिलता है आपको ये इवेंट करके? तो मेरे भाई ऐसे इवेंट करके मिलता है बहुत ज़्यादा हेडेक, अपने काम से छुट्टी, तकरीबन जब भी इवेंट नज़दीक लगता है तो एक महीना सब लोग इतना डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि बार बार मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, बार बार कंपनी के साथ बैठना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्लान करने पड़ते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है, तो अपने काम का नुकसान होता है, लेकिन सब चीज़ों को साइडलाइन करते हुए हम फिर भी काम करते हैं, ठीक है ना। और जब एक महीना अपने काम का और अपने बिजनेस का लॉस देख सकते हैं तो एटलीस्ट ये छोटी मोटी अमाउंट के लिए यार अपनी इमेज खराब हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप जितने भी एडमिन हैं और जितने भी लोग हैं उन सबको ये क्वेरी जो है
जो इश्यूज उनके रहे होंगे वो अब थोड़े से सॉर्ट आउट होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो मेरे भाई स्वागत है, पीएम डीएम कुछ भी कर सकता है। सो मैं ऑब्वियसली यार आप लोग की क्वेरीज को जरूर आंसर करूँगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आने वाले फ्यूचर इवेंट्स में ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों का प्यार एक्सपेक्ट करेंगे। सो लव यू गाइस।